सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में गाइस मैं आप सभी को गाइस बताने वाला गाइस आप इस तरह का फुल स्क्रीन ग्लिच इफेक्ट व्हाट्सएप स्टेटस कैसे क्रिएट कर सकते हो गाइस, वो भी काइन मास्टर एप्लीकेशन के थ्रू। तो सिंपली गाइस आपको करने का गाइस काइन मास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। देन गाइस आपको करने का यहाँ पर आपको प्लस वाले कैन पर यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है। सो गाइस यहाँ पर प्लस वाले कैन में क्लिक करने के बाद गाइस आपको 9:16 का सिलेक्ट कर लेना है। जैसे गाइस मैं से कर लेता हूँ। सो गाइस यहाँ पर रेशियो को सिलेक्ट करने के बाद गाइस आपके सामने यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आपको इस मीडिया पर क्लिक करना है एंड गाइस आपको बैकग्राउंड पे क्लिक करना है। सो बैकग्राउंड पे क्लिक करने के बाद आप गाइस यहाँ पर गाइस यहाँ पर ब्लैक कलर का गाइस आपको बैकग्राउंड ले लेना एंड ऐसे बैक आ जाना एंड ऐसे डन कर देना। सो गाइस आप यहाँ पर गाइस हमें एक गाइस बैकग्राउंड को लेने के बाद गाइस हमें करना क्या है, यहाँ पर गाइस हमें लेयर पे क्लिक करना एंड यहाँ पर गाइस हमें टेक्स्ट पर क्लिक करना, ठीक है। सो यहाँ पर गाइस टेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद गाइस हमें कुछ इमोजी का यूज करना। तो सिंपली गाइस हमें करने क्या है, इमोजी पर इस तरह से क्लिक करना। सो इमोजी पर क्लिक करने के बाद गाइस हमें यहाँ पर गाइस कुछ यहाँ पर गाइस इमोजी का यूज करना है, जिन गाइस यहाँ पर हम ले लेते हैं। सो सिंपली गाइस आपको यहाँ पर गाइस बहुत सारे इमोजी मिलेंगे, तो गाइस आपको इमोजी को ढूंढ लेना, ठीक है। गाइस ये जो इमोजी कैसे बहुत ही अच्छी लगती है। सो सिंपली यहाँ से मैं ऐसे ले लेता हूँ एंड यहाँ पर कैसे ऐसे मैं यहाँ से कट करूँगा एंड ऐसे कैसे मैं रख लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। एंड यहाँ से कैसे मैं डन कर दूंगा। सो यहाँ पर कैसे इतना काम हमारा हो चुका है। अब कैसे मैं करना है, ऐसे कैसे इस तरह से हमें बड़ा कर लेना एंड यहाँ पर हमें ऐड कर देना, ठीक है। तो यहाँ से कैसे मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ एंड ऐसे डन कर दूंगा। अब कैसे यहाँ पर हमें अपना नाम भी लिखना है, तो सिंपली इस लेयर पर जाएंगे, टेक्स्ट पर जाएंगे एंड यहाँ पर कैसे हम अपना नाम लिख लेते हैं। सो यहाँ पर कुछ नाम निकलने के बाद सिंपली हमें करने के यहाँ से ओके कर देना है। सो ओके करने के बाद हमारा नाम यहाँ पर आ जाता है। सिंपली हम करेंगे यहाँ पर ऊपर की तरफ यहाँ पर ऐड करना एंड कैसे हमें फॉन्ट पर जाना है एंड कैसे हमें जो फॉन्ट अच्छा लगता है कैसे हमें यहाँ पर सेट कर लेना। सो यहाँ पर इसमें कोई फॉन्ट को कैसे यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड ऐसे डन कर दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे मैं फॉन्ट को ले लिया एंड ऐसे डन करूँगा एंड इसके साइज मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि इसे यहाँ पर ग्लिच इफेक्ट लगाने पर कैसे बहुत ही अच्छा लगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें से ऐड कर लूँगा सेंटर पे एंड ऐसे डन करूँगा। नीचे कैसे मैं लिखूँगा किंग, ठीक है। तो कैसे यहाँ से सिंपली कैसे थोड़ा सा मैं इसे ऐड कर लूँगा यहाँ पे अच्छे से एंड नीचे कैसे मैं लिख देता हूँ किंग, ओके। तो लेयर पे जाऊँगा, टेक्स्ट पे जाऊँगा एंड यहाँ पे किंग लिख लेता हूँ। सो यहाँ पर किंग लिखने के बाद सिंपली से हमें यहाँ से ओके करना। ओके करने के बाद से हमें करने के यहाँ पे इसका साइज हमें बढ़ा लेना, साइड पे लेना, फॉन्ट पे जाना एंड यहाँ पर इसमें डिस्प्ले वाला फॉन्ट लगाऊंगा। तो सिंपली से मैं इसे यहाँ पर इस वाले की यूज़ करूँगा एंड ऐसे डन कर दूँगा। सो इसे बहुत ही कमाल का लगता है एंड ऐसे मैं डन कर दूँगा, ठीक है। एंड इसका साइज के हिसाब से हम बढ़ा भी सकते हैं एंड यहाँ से इसे अच्छे से ऐड कर देंगे। तो इतना काम कैसे हमारा हो चुका है। अब कैसे हमें एक नॉर्मल सिंपल से एक और काम करना, कैसे यहाँ पर ग्लिच इफेक्ट का मतलब हमें यूज करना, मतलब कैसे यहाँ पर हमें ग्लिच इफेक्ट लगाना। सिंपली लेयर पर जाएंगे एंड यहाँ पर कैसे हम इफेक्ट पर जाएंगे। सो यहाँ पर कैसे हमें कुछ इफेक्ट डाउनलोड करना पड़ता है। तो कैसे डाउनलोड करने के लिए कैसे हमें गेट मोर पर क्लिक करना, इंटरनेट को ऑन कर लेना। देन कैसे हमें कुछ टाइम बाद यहाँ पर कैसे बहुत सारे इफेक्ट देखने को मिलेंगे। सो सिंपली कैसे हमें यहाँ पर इस वाले इफेक्ट को डाउनलोड कर लेना। हालांकि कैसे यहाँ पर आपको बहुत सारे ग्लिच इफेक्ट मिलेंगे, बट यहाँ पर कैसे हमें यूज करना है इस वाले इफेक्ट को। सो कैसे आप देख सकते हो इस वाले इफेक्ट को यहाँ पर से ले लेता हूँ ग्लिच इफेक्ट, उठ के कैसे मैं क्लिक करता हूँ एंड ऐसे डन कर दूंगा। सो यहाँ पर कैसे मैं करूँ कि यहाँ पर कैसे आपको करने का इसका साइज आप यहाँ से बढ़ा सकते हो, बट यहाँ से मैं नहीं बढ़ा रहा हूँ एंड यहाँ पे सेटिंग को कैसे मैं बिल्कुल कैसे यहाँ पे लो कर देना एंड कैसे मैं क्वालिटी कैसे हमें थोड़ा सा यहाँ पे कम कर देना। सो यहाँ पर कैसे हम प्ले करके देख लेते हैं कि इस ग्लिच इफेक्ट हमारा कैसा लगा है। सो यहाँ पर कैसे हमारा ग्लिच इफेक्ट लग चुका है। अब कैसे हमें करने का, यहाँ पर कैसे हमें नाम वगैरह तो कैसे हमने लिख लिया। अब यहाँ पर कैसे हम सॉन्ग को ऐड करते हैं एंड कैसे हम देखते हैं कि यार वीडियो का हमें कितना लंबा रखना है। तो सिंपली कैसे हम यहाँ पर जाएंगे एंड किस सॉन्ग का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूँगा, ठीक है। तो यहाँ से कैसे हम फोल्डर पर जाते हैं एंड कैसे जहाँ पर मैंने डाउनलोड करके रखा है ऐसे कैसे हम ले लेते हैं। सो यहाँ पर कैसे मैंने ऐड कर लिया, सिंपली कैसे मैं ऐसे प्ले करके देख लेता हूँ। सो कैसे हमें कैसे यहाँ तक रखना, सिंपली कैसे हमें एक्स्ट्रा पार्ट कैसे हमें करने के यहाँ से कैसे हमें कट कर देना। सो सिंपली कैसे हम कट कर देंगे, ठीक है, कुछ इस तरह से, ओके। तो यहाँ से कैसे मैं पूरा क्लियरली कट कर देता हूँ। तो कैसे यहाँ से हम जो कैसे सॉन्ग को भी हटा देते हैं एंड कैसे हमें सिर्फ यहाँ पर जितना कैसे हमें टाइमर चाहिए था हमने ले लिया एंड यहाँ से हम कैसे कट कर देंगे, ओके। इसके बाद कैसे हम फोटो का यूज करेंगे, तो यहाँ से कैसे हम इतना कट कर देते हैं एंड इतना कैसे हम एक्सपोर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से कैसे हमें करने के इतना कैसे हमें एक्सपोर्ट कर लेना। सिंपली हमें यहाँ पर क्लिक करना एंड यहाँ पर कैसे हमें एक्सपोर्ट किसी आप बटन मिलता है एक्सपोर्ट कर लेना। सो कैसे एक्सपोर्ट हो जाता है। उसके बाद कैसे हमें करने के यहाँ पर कैसे फिर से ओपन कर लेना है, ठीक है। तो कैसे यहाँ पे एक्सपोर्ट करने के बाद सिंपली कैसे हमें करना क्या, फिर से कैसे हमें प्लस वाले कैन पर क्लिक करना एंड कैसे हमें यहाँ पे 9:16 का सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। तो कैसे यहाँ पर रेशियो को सिलेक्ट करने के बाद कैसे हमें जिन भी फोटो कैसे हमें स्टेटस क्रिएट करना था हमें कैसे उन फोटो को ले लेना है। सो यहाँ पर कैसे मैंने फोटोज़ को ले लिया। सिंपली कैसे मैं करूँ क्या, यहाँ पर कैसे क्लिक करूँगा एंड यहाँ पर क्लिक करूँगा एंड कैसे इसका साइज़ यहाँ से बढ़ा लूँगा, ठीक है।
सो इस तरह से सेम आपको ऑल इमेज पे क्लिक करना एंड यहाँ पर कैसे आपको क्लिक कर देना, ठीक है, एंड ऐसे डन कर देना। एंड कैसे आपको करन के इसका साइज आपको बिल्कुल छोटा कर देना, इस तरह से आपको ऑल इमेज पर करना, ठीक है। तो कैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा एंड यहाँ पर क्लिक करूँगा एंड यहाँ से इसका साइज मैं ऐसे बढ़ा लूँगा। सो यहाँ पर गाइस मैं जो लगभग गाइस ऑल इमेजेस पे गाइस मैंने पूरा सेलेक्ट कर लिया एंड ऐसे डन करूँगा। सो गाइस यहाँ पर मैं प्ले करके दिखा देता हूँ, ठीक है, यार किस तरह का गाइस यहाँ पे इफेक्ट लगता है, बहुत ही अमेजिंग, ठीक है। तो सिंपली कैसे मैं करना क्या, यहाँ पर गाइस शेयर के बटन पर क्लिक करना एंड इसे कैसे मैं एक्सपोर्ट कर लेना। सो सिंपली कैसे से एक्सपोर्ट कर लेना। सो यहाँ पर गाइस एक्सपोर्ट हो जाता है एंड एक्सपोर्ट होने के बाद कैसे मैं बैक आ जाना है। अब गाइस यहाँ पर जो मेन काम गाइस वो हमें करना, तो सिंपली कैसे मैं करने के लेयर पर कहीं से मैं प्लस वाले कन पर क्लिक करना एंड यहाँ पर कैसे मैं 9:16 का फिर से किसी रेशियो को सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। सो यहाँ पर इस रेसियो को सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर मीडिया पर क्लिक करेंगे एंड जो मैंने वीडियो को एक्सपोर्ट किया उन्हें हम लेंड वीडियो को ले लिए। सिंपली इस समय करने के इसका समय और डुप्लीकेट लेना है यहाँ पर, ठीक है। तो सिंपली इस समय करने के उसी वीडियो पर क्लिक करना एंड अगर हमें यहाँ से डुप्लीकेट ले लेना, ठीक है। तो यहाँ से 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, डुप्लीकेट पर क्लिक करेंगे। तो कैसे आप जितना डुप्लीकेट लेना चाहते हो यहाँ से ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। और कैसे अगर आपको डुप्लीकेट नहीं लेना तो कैसे आपको बहुत सारी इमेज का यूज करना, तो कैसे आप यहाँ से कर भी सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो बहुत ही अच्छा गाइस आपको सामने यहाँ पर इफेक्ट देखने को मिलेगा। एंड उसके बाद गाइस जो मैन यहाँ पर इफेक्ट जैसे हमें डालना गाइस वो हमें यहाँ पर यूज करना, तो सिंपली कैसे हमें करने के यहाँ से मैं फुल स्क्रीन कर लेता हूँ एंड यहाँ पर कैसे हमें कुछ इफेक्ट लगाना है। तो सबसे पहले कैसे हमें यहाँ पर जो यूज करना गाइस वो ये है कि यहाँ पर कैसे हम एक इफेक्ट यूज करेंगे। तो सिंपली लेयर पे जाएंगे, मीडिया पे, एंड उसका डाउनलोड लिंक कैसे मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे मैं सिंपली करूँ क्या, यहाँ से कैसे मैं ले लेता हूँ उसे। तो इस मैंने वीडियो यहाँ पर ले लिया, सिंपली कैसे मैं करूँ क्या, यहाँ से इसका साइज यहाँ से बढ़ा लेना, ठीक है। तो परफेक्ट कैसे यहाँ से मैं इसका साइज यहाँ से बढ़ा लूँगा एंड नीचे जाऊँगा ब्लेंडिंग पे एंड ऐसे कैसे मैं चले जाता हूँ स्क्रीन पे एंड स्क्रीन पे जाने के बाद डन करूँगा एंड इसी पे कैसे मैं क्लिक करूँगा, नीचे जाऊँगा सैचुरेशन पे। तो कैसे यहाँ से एडजस्टमेंट पे सैचुरेशन को बढ़ा दूँगा, कंटेस्ट को इसमें थोड़ा सा बढ़ाऊँगा एंड ऐसे डन कर दूँगा, ठीक है। उसके बाद कैसे एक्स्ट्रा पार्ट को इस यहाँ से हम कट कर देना, ठीक है। यहाँ से कैसे हमें एक्स्ट्रा पार्ट कट कर देना है। तो यहाँ पर कैसे हम प्ले करके देख लेंगे, इसे बहुत ही अच्छा लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे हमारे कैसे इतना काम हो चुका है कि हमें करने के जो हमारे कैसे वीडियो है उसमें कैसे हमें करने के यहाँ से कैसे विग्नेट को इनेबल कर देना। सो कैसे हमें यहाँ पर आल वीडियो पर कैसे विग्नेट को हमें इनेबल कर देना, ठीक है। तो हालांकि हमें पहले ही कर देना चाहिए था बट कैसे मैंने यहाँ पर नहीं किया, तो यहाँ पर कैसे मैं अभी कर लेता हूँ, ठीक है। सो गाइस मैंने सभी का गाइस जो विग्नेट था किसी से मैंने इनेबल कर दिया। तो सिंपली कैसे आप देख सकते हो थोड़ा विग्नेट में जो इफेक्ट आता है वो थोड़ा और भी कैसे ज़बरदस्त आता है। तो गाइस यहाँ पे हमने कैसे इतना काम कर लिया। अब गाइस यहाँ पे हमें स्मोक इफेक्ट एंड गाइस लाइट इफेक्ट गाइस दोनों का यूज करना। तो सिंपली लेयर पर जाएंगे एंड यहाँ पर कैसे मैं करने के लेयर पर मीडिया पर एंड गाइस यहाँ से मैं स्मोक इफेक्ट को ले लेता हूँ। सो यहाँ पर गाइस स्मोक इफेक्ट को लेने के बाद सिंपली हमें करने के फुल स्क्रीन कर देना कुछ इस तरह से एंड गाइस हमें करने के थोड़ा सा आगे बढ़ाना एंड गाइस हमें यहाँ से रखना, ठीक है। जहाँ से कैसे मतलब एकदम से गाइस धुआं निकलता है वहाँ पर कैसे हमें रखना एंड गाइस हमें करने के जो कैसे हमारा वीडियो है, ठीक है, गाइस जो हमने वीडियो बनाया था उसके कैसे बाद से हमें रखना है, ठीक है। तो पहला वीडियो के बाद से कैसे हमें यहाँ पर रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे हमें करना है क्या है यहाँ पर इतना एंड यहाँ से कैसे देख सकते हो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर कैसे हमें ब्लेंडिंग पर जाना एंड से भी कैसे स्क्रीन कर देना है। सो ब्लेंडिंग पे जाऊंगा एंड इसे मैं स्क्रीन कर दूंगा एंड स्क्रीन करने के बाद गाइस इसका हार्डनेस को हमें गाइस थोड़ा सा बढ़ाना है। तो सिंपली हमें एडजस्टमेंट पे चले जाना, ठीक है। तो यहाँ से हम एडजस्टमेंट पे जाते हैं एंड गाइस यहाँ से मैं थोड़ा सा कंटेस्ट को बढ़ा दूंगा एंड थोड़ा सा सैचुरेशन भी बढ़ा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद गाइस यहाँ पे जो गाइस हमें लाइट इफेक्ट के गाइस हमें लाइट इफेक्ट यूज करना है, ठीक है। तो सिंपली लेयर पे जाएंगे, मीडिया पे एंड लाइट इफेक्ट को ले लेते हैं। सो यहाँ पर कैसे मैंने लाइट इफेक्ट को ले लिया एंड कैसे सिंपली मैं करूँगा फुल स्क्रीन कर दूँगा यहाँ से एंड ऐसे कैसे मैं ब्लेंडिंग पे ले लूँगा। तो सिंपली कैसे मैं ब्लेंडिंग कर दूँगा। सो यहाँ से कैसे मैं स्क्रीन कर देता हूँ एंड स्क्रीन करने के बाद इसे मैं क्लिक करूँगा यहाँ पर कैसे मैं यहाँ पर एडजस्टमेंट पर चले जाता हूँ एंड एडजस्टमेंट पर जाने के बाद सेशन को हाई करूँगा, कंटेस्ट को थोड़ा सा बढ़ा दूँगा रियल लुक के लिए, ठीक है। उसके बाद कैसे मैं लास्ट चीज़ जो यूज़ करना वो गाइस का सॉन्ग एंड गाइस पूरा कंप्लीट बन के हमारा हो चुका है तैयार स्टेटस, ठीक है। तो फोल्डर पर जाऊँगा एंड ऐसे कैसे मैं सॉन्ग को ले लेता हूँ। तो यहाँ पर गाइस मैंने सॉन्ग को ऐड किया एंड गाइस मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ, ठीक है। सो गाइस यहाँ पर गाइस हमारा गाइस स्टेटस कुछ इस तरह से बन करके हो चुका है तैयार। तो सिंपली कैसे हमें करना क्या है, यहाँ पर शेयर वाले बटन पर क्लिक करना है एंड कैसे हम यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेना, ठीक है। तो सिंपली कैसे हम एक्सपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली एक्सपोर्ट हो जाता है। सो इस शर्द को आप इस तरह से इस तरह का स्टेटस क्रिएट कर सकते हैं। सो इस शर्द को उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके गाइस आपको ऑल पर क्लिक कर देना तक गाइस मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूँ तो गाइस उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे और गाइस उस स्टेटस को आप सबसे पहले बना पाओ। तो चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक जय जय भारत।